डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बीते 8 साल में 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे गए हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से देश के 2,23,000 करोड़ रुपए यानी करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए जो किसी और के हाथ में गलत हाथ में जाते थे वो बच गए हैं। दोस्तों, साथियों, डिजिटल इंडिया अभियान ने जो एक बहुत बड़ा काम किया है वो है शहर और गांव के बीच की खाई को कम करना। हमें याद होगा शहर में तो फिर भी कुछ सुविधा थी, गांवों के लोगों के लिए तो हालत और भी मुश्किल भरे थे। गांव और शहर की खाई भरेगी इसकी भी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। गांव में छोटी से छोटी सुविधा के लिए भी आपको ब्लॉक, तहसील, जिला हेडक्वार्टर के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। ऐसी सारी मुश्किलों को भी डिजिटल इंडिया अभियान ने आसान बनाया है और सरकार को नागरिक के द्वार पर उसके गांव, घर और उसकी हथेली में फोन पर लाकर खड़ा कर दिया है। गांव में सैकड़ों सरकारी सेवाएं डिजिटली देने के लिए पिछले 8 वर्ष में 4 लाख से अधिक नए कॉमन सर्विस सेंटर जोड़े जा चुके हैं। आज गांव के लोग इन केंद्रों से डिजिटल इंडिया का लाभ ले रहे हैं।